2 मिनट देंगे। देखो पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स नहीं, नारायण मूर्ति का स्टेटमेंट सुना है किसी ने? यस सर, दे आर सेइंग दैट 70 hours in a week, which amounts to 11-12 hours a day. A day, good lord. In fact, we should promote like 4 days working and 3 days off. So I'm in favor of that. आज के बच्चे काम करना नहीं चाहते. We have our life. आने वाली जनरेशन इससे भी बदतर होगी. पैसा चाहिए, काम नहीं चाहिए. सब 12 घंटे काम करते हैं दिन में. 8 घंटे काम करते हैं. अच्छा, आने जाने को नहीं जोड़ेगा? आना जाना वर्किंग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? Are you guys working? MBBS first. MBBS हमारी जिंदगी झंडा है। When Infosys co-founder Mr. Narayana Murthy said, "Our youngsters must say this is my country. I want to work 70 hours a week." Internet पे तो जनता has given their hot takes on Mr. Murthy's suggestions. Now let's see what Delhi's public have to say about it. Sir, did you hear Infosys co-founder Narayan Murthy's statement recently? Nonsense. No, nonsense. Yes, it's bullshit. Totally absurd. Where is your life-work balance? Yeah. Okay, and is Narayan Murthy himself going to pay you double the money because you're putting in 14 hours? Frankly, I cannot do 11 to 12 hours. Even what इतनी वो थोड़ी ना machine थोड़ी ना है. 5 to 7 hours are more than enough. आपको नहीं लगता अगर हम इतना काम करेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं? स्ट्रेस हो सकता है, हमें एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है बंदा. वैसे ही मैम इतना प्रेशर 5-6 घंटे काम कर रहे हैं तो हम इतना स्ट्रेस ले रहे होते हैं. ये 11.5 घंटे में क्या होगा मैम? वो कल्चर चले गए कि जब हम एनालॉग कंप्यूटर पर बैठ करके खिड़खिड़ कर रहे हैं. आज के डेट में आप देख रहे हो स्मार्ट चीज़ें आ गई हैं. आप 8 घंटे का काम 5 घंटे में कर सकते हो. जो आदमी 34 में जा करके सक्सेसफुल हो रहा था, आज के डेट में आदमी 21 में सक्सेसफुल हो रहा है. हमारे बच्चे हैं, नौकरी करते हैं, वो अगर 8 घंटे से 1-2 घंटे होते तो घर में बोलते हमको तो बहुत काम करना पड़ा, हम थक गए, ये हो गया हम लोग नहीं कहा. दिस इज ऑल जनरेशन गैप इज ऑल अबाउट. तो आपको लगता है कि अगर आप 11 घंटे दोगे दिन में तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? यस, बिल्कुल बढ़ेगी. आप बताइए सर. प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी लेकिन हेल्थ इश्यू बनेंगे. जो नारायण मूर्ति जी बोल रहे हैं वो गवर्नमेंट की बात बोल रहे हैं. जो रूल्स एंड रेगुलेशन अभी पार्लियामेंट में पास हुआ है, गवर्नमेंट भी चाहता है कि 12 घंटे काम करे. जो बच्चे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, आज के यंगस्टर्स बहुत, तो उनको तो ओवरटाइम के लिए कोई पैसा नहीं मिलता. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? उनके पैकेज भी तो मोटे हैं, ये भी तो देखिए ना. When I see my friends in corporate culture working 6 days a week for 10 hours a day, they are being underpaid for the work they do. Foreign में health और education free है, तो जितनी पेमेंट मिलती है उसमें लोग काफ़ी समाधानी है. यहाँ पर 50% अमाउंट अपना वेजेस का ख़त्म होता है बच्चों के एजुकेशन पे और हेल्थ पे. तो फॉरेन से जोड़ना है तो फिर फॉरेन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, फैसिलिटीज़ दीजिए. क्या आपको लगता है लॉन्गर वर्किंग आवर्स विल हेल्प इन प्रोडक्टिविटी एंड दैट वुड लीड टू प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री? इफ दैट वाज द यू नो लाइक आंसर टू एवरीथिंग देन अमेरिकन्स वुड बी द लास्ट इन द लीग. कम काम करेंगे, इफेक्टिव काम करेंगे. ज़्यादा करवाओ प्रोडक्टिव कोई नहीं होगा, थका लग जाएगा. 4 days भी अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, अगर उसमें भी 10 hours ले लिया आपने, तो उसमें प्रोडक्टिविटी आ जाएगी अगर आनी होगी तो. इन दिस केस आई एग्री विद शनीर ग्रोवर व्हाट ही सेज दैट अगर आप, मुझे कोई मतलब नहीं है कि लाइक कौन कितने बजे आ रहा है, क्या कर रहा है. बंदा अगर 1 घंटा भी आता और उसमें पूरे दिन का आउटपुट देके जाता तो दैट इज मच मोर वैल्यूएबल टू द कंपनी एंड यू नो टू द बिगर पिक्चर. लेटली अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट लीडर्स आर एक्चुअली पुशिंग फॉर दिस हसल कल्चर और इसको जोड़ रहे हैं आपके देश की तरक्की से. इंस्टेड ऑफ मेकिंग 1% वर्क फॉर 14 आवर्स यू हायर 1 मोर. ओके, सो यू स्प्लिट द वर्क. एक इंसान से 12 घंटे काम करवाने की जगह आप 2 इंसान से 6-6 घंटे काम करवा लो. कुछ लोग ना कंफ्यूज हैं इस चीज को लेके कि हसल करके वो काम दिखा रहे हैं या फिर वो काम करके काम दिखा रहे हैं. आई बिलीव इन अ वेरी स्ट्रिक्ट बाउंड्री बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ. ये हसल तो सबको करना पड़ता है, मतलब सक्सेस के लिए तो हसल करना पड़ता है, लेकिन राइट डायरेक्शन में करो, हार्ड वर्क करो, तब उसमें वो है. देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन एंड पीपल आर नॉट पुटिंग देयर फोर्स ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. दे जस्ट वांट टू अर्न मोर एंड मोर मनी वेदर दे हैव टाइम टू स्पेंड इट ऑन देमसेल्व्स और नॉट. दिल्ली वालों ने तो अपना ओपिनियन दे दिया एंड इट्स क्वाइट क्लियर दैट यंगस्टर्स डू नॉट वांट टू वर्क 70 आवर्स अ वीक. दे बिलीव इन वर्किंग स्मार्ट देन पुटिंग इन लॉन्ग वर्किंग आवर्स. In comparison, many oldies believe that you need to work at least 10-12 hours a day for better productivity. Maybe it's the generation gap. What do you think about it? Let us know in the comment section.